आइए बात करते हैं प्रोत्साहन राशि को लेकर खुद पर केस किए जाने का सरयू राय द्वारा स्वागत किए जाने की। कोरोना प्रोत्साहन राशि विवाद में स्वास्थ्य विभाग द्वारा विधायक सरयू राय पर केस किए जाने से श्री राय व स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता की सियासी जंग ने नया मोड़ ले लिया है। विधायक सरयू राय ने कार्रवाई का स्वागत करते हुए इसे मंत्री व अधिकारियों द्वारा उनके आरोपों की स्वीकृति बताते हुए दोनों पर निशाना साधा है। बता दें कि जमशेदपुर पूर्व के विधायक सरयू राय ने स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता द्वारा स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना प्रोत्साहन राशि के भुगतान में स्वयं एवं अपने कोषांग के 60 लोगों के नाम भी जोड़कर गलत भुगतान लेने का आरोप लगाया था। इसके सबूत में उन्होंने कई विभागीय दस्तावेज भी प्रस्तुत किए थे। स्वास्थ्य विभाग की ओर से इसे लेकर सरयू राय पर ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के उल्लंघन सहित कई अन्य आरोप लगाते हुए डोरंडा थाने में केस दर्ज कराया गया है। विधायक सरयू राय ने इस कार्रवाई का स्वागत करते हुए कहा कि मंत्री एवं विभागीय अधिकारियों ने उन्हें जैसे निमंत्रण दे दिया है। सरयू राय ने कहा कि किसी विभाग में भ्रष्टाचार से जुड़े कागजात आरटीआई के तहत कोई भी ले सकता है, फिर ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का उल्लंघन कैसे हुआ। उन्होंने इसे स्वास्थ्य मंत्री एवं विभागीय अधिकारियों की हताशा में हड़बड़ी का नतीजा बताया। उन्होंने इसे कामातुराणाम न भयम न लज्जा का सटीक उदाहरण बताते हुए कहा कि पूरा स्वास्थ्य विभाग भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है, जिसका खुलासा होने से वहां के कर्मचारियों में भय व्याप्त हो गया है। हमारे ऊपर एफआईआर किया है, मंत्री के आदेश से किया है कि हमारे ऑफिस के फाइल से ये लोग कैसे डॉक्यूमेंट निकाल लिए, चोरी कर लिए, क्या कर लिए, उसी का एक एफआईआर किया है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट। तो मैं तो खुश हूँ कि उन्होंने मेरे लिए एक निमंत्रण भेज दिया है। और ये लोग इतने मूर्ख भी हैं, और कहा जाता है कि कामातुरा नाम न भयम न लज्जा, जो कामातुर होता है उसको न डर होता है न लज्जा होती है। तो जिस फाइल में आपके भ्रष्टाचार के सबूत हैं वो कहीं बाहर आ जाता है, या जो फाइल सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत आती है कि उसको कोई भी 10 रुपया दे के निकाल ले सकता है, तो ऑफिशियल सीक्रेट नहीं होता है। ऑफिशियल सीक्रेट के लिए सरकार तय करती है कि हमारा ये डॉक्यूमेंट ऑफिशियल सीक्रेट है, कोई नक्सल अभियान हो रहा है उसका पेपर ऑफिशियल सीक्रेट है, सरकार की वित्त व्यवस्था के बारे में कोई कम्युनिकेशन है जो सीक्रेट है, रिजर्व बैंक के साथ है वो सीक्रेट है। तो ये इसमें कौन सा सीक्रेट है और किसने बता दिया इन लोगों को? पूरा स्वास्थ्य विभाग ही भ्रष्टाचार के नशे में है और वहाँ के कर्मचारियों पर भय व्याप्त है। इतनी सूचनाएं मिल रही हैं इनके हर एक योजना में भ्रष्टाचार की, और जब मैं उठा रहा हूं तो ये बौखला गए हैं। बौखलाहट में जो निर्णय होता है वो सही नहीं होता है, इसलिए मंत्री को ये सोचना चाहिए कि उनके भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए उनके फाइल से कागज निकाल लेना ये कहीं से भी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में नहीं आता है। अब तो मान लिए हैं, बौखला गए हैं कि हमारे खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला पुख्ता हो गया है। इन्होंने विधि विभाग में फाइल भेजा था, विधि विभाग ने फाइल वापस कर दिया है और कहा है कि नहीं गलत हुआ है। मुख्य सचिव के स्तर से मौखिक रूप से इनसे फाइल मांगी गई, इन्होंने नहीं दिया। उन्होंने लिख कर दिया मुख्य सचिव ने कि साहब आप फाइल हमको भेजिए, इन्होंने लिख दिया कि विधि विभाग में भेजा है, वहाँ से आएगी तो भेजेंगे। विधि विभाग से फाइल आए हुए कितना दिन हो गया, उन्होंने भेजा नहीं है। विधि विभाग ने भी कह दिया कि आपने गलत किया है। तो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जिसमें उनको लगता है कि हम दंडित हो जाएंगे, तो बौखला गए हैं। बौखलाहट होने के FIR कर दिया है। तो ऐसा जो FIR है वह कूड़ेदान में फेंके जाने वाले रद्दी कागज के समान है। मैं तो ये सवाल उठाऊंगा कि उस थाना ने अगर FIR ले लिया है तो FIR लिया किस आधार पर? मैं तो DGP से बात करूंगा, मुख्य सचिव से बात करूंगा। हो सकता है कि इन्होंने दरखास्त दिया हो, भेजा हो, उसी को FIR मान लिया हो। थाना FIR दर्ज करता है तो उसके पहले उसको तहकीकात करनी पड़ती है कि FIR में दिए गए तथ्य सही है कि नहीं। दिनभर के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ फेसबुक और यूट्यूब पर, साथ ही हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।